करना, विपक्ष को इग्नोर करना, ये कोई नई बात नहीं है। 8 साल मैं भी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर रहा हूँ। बहुत बार हमने भी वो झेला है कि विपक्ष के होते हुए उसकी बात नहीं माननी और शोर शराबे में बिल पास करवा लेने, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, ऐसे बोल। तो हम भी बहुत बार चिल्लाते थे, सर डिवीज़न, सर डिवीज़न, वोट डलवा लीजिए प्लीज। तो जब ये डेमोक्रेसी के मंदिर को ऐसे चला रहे हैं तो देश में वही हालत हम पहले से कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। आज मणिपुर में हो रहा है, इनकी नफरत की राजनीति का वो नतीजा है मणिपुर में। और शायद आपको भी नहीं पता होगा मणिपुर का राज्यपाल कौन है, पंजाब का पता होगा ना, बंगाल का भी पता होगा, तमिलनाडु का भी पता होगा, केरला का भी पता होगा, तेलंगाना का भी पता होगा, दिल्ली का भी पता होगा। तो अब राज्यपाल क्या कर रहा है वहाँ पे? हमें तो बात बात पे कह रहा है तुम्हारा बजट सेशन नहीं होने दूंगा, तुम्हारा ये बिल नहीं मैं पास करूंगा, इस पे साइन नहीं करूंगा। तो अब राज्यपाल कहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ? तो केंद्र की तरफ से एक प्रतिनिधि है वहाँ पे, उसने लॉ एंड ऑर्डर बताना होता है। तो हमारे तो यहाँ कोई पंजाब में छोटी मोटी घटना हो जाए तो एक मिनट में राज्यपाल कह देते हैं, चिट्ठी निकाल देते हैं, ये क्या हो रहा है। तो अभी मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई किसी को खबर नहीं है। 78वें दिन मणिपुर का माँ बोला प्रधानमंत्री जी ने, 36 सेकंड, उसमें भी 2-3 स्टेट और डाल दिए, वो भी अकेला नहीं बोला। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा देना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को खुद, अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले रही है तो राष्ट्रपति जी को भी आगे आके सुमोटो लेना चाहिए कि ये देश के हालात जो हैं मणिपुर में। अभी तो वीडियो एक ही निकला, अभी इंटरनेट बैन है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, किसी को जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। तो जब मणिपुर में ये हो रहा था तब प्रधानमंत्री जी जापान, UAE, अमेरिका के दौरे पर, तो संजय सिंह जी चुने हुए हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, जब हमें कोई मौका नहीं मिलता तो ही हम अपनी कुर्सी से उठ के बेल में जाते हैं ना, वरना हमको बेल में जाने का शौक थोड़ी है, हमें जब सस्पेंड होने का कोई शौक थोड़ी है, खबरें छपवाने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ। जब मौका प्रॉपर नहीं मिलता तो फिर थोड़ा इलेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चलो जी आपको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। राहुल गांधी को एक गुजरात की छोटी सी कोर्ट ने फैसला दे दिया, चलो जी आप MP नहीं रहोगे। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे ही करना है, 28 राज्यपाल हैं, 29 में मोदी जी, 30 में अमित शाह, 30 आदमी चला लें देश को। मुख्यमंत्रियों की अगर चलने ही नहीं देनी, राज्यपाल उनके सर पे बिठा रखे हैं, कोई आप विधायक जो बिल पास नहीं करते विधानसभा में पास हुआ, कोई आप कह रहे हो कि मैं साइन नहीं करूंगा इस पे, तो फिर किस काहे के लिए इलेक्शन करवा रहे हो? 28 राज्यपाल, 29 मोदी जी और अमित शाह, 30 हो गए, 30 लोग चला लें देश को, क्यों हजारों करोड़ रुपये लोगों का इलेक्शन पे खर्चा जाना है? तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज सभी जो देश को प्यार करने वाले सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा से हैं चाहे राज्यसभा से, वो संजय सिंह जी के साथ, वो संजय सिंह जी के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ, वो संविधान के साथ। अब संविधान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, 5-0 से एक फैसला हुआ ऑर्डिनेंस का, दिल्ली के ऑर्डिनेंस का 5-0 से, उसके खिलाफ ले आए नहीं जी, हम ये भी नहीं मानते, तो किसकी मानोगे भाई? हर महीने मन की बात करते हो, लोगों के मन की बात तो सुन लो, आपके मन की बात तो पूरी कर दी, 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया आपको, लेकिन तीसरी बार भी जीत कर आए। हाँ जी कह रहे, तीसरी बार भी जीत के आए कह रहे हैं,
वो सिकंदर था ना, जीतने की आदत हो गई थी, एक राजा को जीत के आगे चला जाता, दूसरे राजा को जीत के आगे चला, इसीलिए वो कहावत बनी थी, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन वो सिकंदर ना वापस जाना भूल गया था, तो वापस भी जाना, जब वापस जाने लगा, जो राजाओं को जीत के आया था ना वो सारे इकट्ठे हो गए थे, वापस नहीं जा पाए, 33 साल की उम्र में मलेरिया से डेथ हो गई। हिस्ट्री याद रखनी चाहिए, ऐसे कैसे, लोकतंत्र है, जीत के आ जाएं, अपना प्रोग्राम रख लें, ये तो लोग बताएंगे, ये कैसे कह सकते हैं कि हम जीत के आए, पंजाब में भी कहते थे हमारी 20 सीटें आएंगी, तो पंजाब में बहुत बड़ा, यहाँ भी कहते हैं इस बार इतनी बार, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इस बार सिर्फ जमना पार, और तो है नहीं कुछ, तो इनके कहने से देश थोड़ी चलेगा, 140 करोड़ जनता का देश है, देशभक्त लोगों का देश है, शहीदों का देश है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस लाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा में, क्या बोलेंगे सर? डिबेट चलेगी, जो भी सांसद हैं वो अपने अपने स्टेट का भी बोलेंगे, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक विषय पे तो नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, जब देश के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि क्या होने वाला है, कब हो जाएगा, कब कौन सी रेल बेच दी जाएगी, कौन सी भेल बेच दी जाएगी, तेल बेच दिया जाएगा, एयरपोर्ट बेच दिए जाएंगे, ये बना ली जाएगी, अभी 3 दिन की बारिश से पानी आ गया इसमें, ये जो इधर बनी है 1927 में बनी थी, 100 साल बाद जो चूना है ना वो पकड़ बनानी शुरू करता है, अभी 100 साल हुए नहीं इसको, इधर अभी शुरू नहीं हुई, मुहूर्त भी नहीं निकला, घुटनों तक पानी आ गया, तो यहीं से पता चलता है चूना इधर लगा है, चूना इधर भी लगा है, लेकिन इधर बिल्डिंग में लगा है, इधर जेब में लगा, जेब को लगा है, चूने का फर्क।